हाँ जी मित्रों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पार्ट टू। हमने 17.1 को कवर करा था एनसीईआरटी के, पॉइंट टू और पॉइंट थ्री को इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद एक वीडियो में तीनों खत्म कर कर यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसमें हमने बताया था आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन के जितने पार्ट होते हैं उनका नाम बताया था और उनका जनरल फंक्शन क्या होता है यह बताया था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इनका मैकेनिज्म क्या होता है और कंडक्टिंग पार्ट किसे कहते हैं। कंडक्टिंग पार्ट एक होता है जो हमारा रेस्पिरेशन कर रहा होता है मेन वहाँ पार्ट। तो कंडक्टिंग पार्ट कौन सा हो गया, जो हमारा नस्ट्रिल है और जो टर्मिनल ब्रोंकियोल तक था जहाँ वह एल्वियोली से अटैच था उसे कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट। यहाँ क्या है कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ ऑक्सीजन को अंदर लंग्स के पास ले जाता है कंडक्ट कर कर और सीओ टू को यहाँ से लेकर नस्ट्रिल के पास ले जाता है और यहीं से रिलीज होता है। वहाँ क्या हो गया कंडक्टिंग कंडक्टिंग पार्टी हो गया। और उसका फंक्शन क्या करता है, ह्यूमिडिफाई करता है एयर को जिससे हमारे बॉडी के टेम्परेचर पर वहाँ एयर भी अंदर जा सके और जितने भी हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं उनको ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट कर सके। अब हम सब देखेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या होता है दोस्तों, एक होता है एक्सपायरेशन एक होता है इंस्पायरेशन। तो सबसे पहले देखते हैं इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन में क्या करता है, जब हम इनटेक करते हैं ऑक्सीजन को, इनटेक करते हैं किसको ऑक्सीजन को, जैसे हमने ऐसे कर रहे हैं तो हम इनक्री कर रहे हैं ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं ठीक है। तो ऑक्सीजन को अंदर लेने के दौरान क्या क्या होता है हम इसके बारे में देखेंगे फिर इसके बारे में। तो इंटेक ऑफ ऑक्सीजन जब हम करेंगे तो हमारा जो यहाँ थोरेसिक वॉल्यूम है यहाँ बढ़ जाएगा। क्या करेंगे थोरेसिक जो है थोरेसिक यहाँ क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। और जब हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे होंगे तब जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वह ज़्यादा होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर है वह ज़्यादा होगा इंट्रापुलमोनरी प्रेशर से। एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है वह ज़्यादा होगा किससे, जो हमारे अंदर प्रेशर है उससे ज़्यादा होगा, कौन इंट्रा एटमोस्फेरिक प्रेशर। और क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन होगा डीएफ ग्राम का। कॉन्ट्रैक्शन कौन किसका होगा डायफ्राम। डायफ्राम दोस्तों क्या होता है, जो हमारा लंग्स होता है इसी के नीचे एक गुंबद टाइप पाया जाता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है तभी जो हमारा लंग्स है वह वर्क कर सकता है। यदि किसी का डायफ्राम टूट जाए तो वह ऐसे वहाँ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा, वह बिना सांस लेते सेते वहीं मर जाएगा। इसीलिए यहाँ जो डायफ्राम है वहाँ बहुत जरूरी है। किसी का डायफ्राम टूट जाएगा तो वहाँ यस जो लंग्स है उसे ऊपर ही नहीं कर पाएगा। डायफ्राम की मदद जब डायफ्राम ऐसे ऊपर होता है तभी लंग्स जो है हमारा थोरेसिक वैल्यू बढ़ता है। अगर डायफ्राम खराब हो जाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी ऑक्सीजन ना मिलने के कारण। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, ऑक्सीजन को जब लेते हैं तो थोरेसिक वैल्यू देखिए, हमने ऑक्सीजन लिया जो हमारा लंग्स है वहाँ भी बढ़ गया। इसके बाद एटमोस्फेरिक प्रेशर वहाँ ज़्यादा है ही और डायफ्राम यहाँ है तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो डायफ्राम ऐसे हो गया कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ऊपर हो गया। इसके बाद जब रिलैक्स होगा तब वह एक्सपायरेशन में होगा। तो एक्सपायरेशन में क्या होता है हम लोग क्या करते हैं रिलीज करते हैं किसको सीओ टू को। सीओ टू इसमें प्रेशर कम था तो इसमें प्रेशर क्या होगा, इसमें प्रेशर ज़्यादा था तो इसमें प्रेशर क्या हो जाएगा कम। इसमें डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो इसमें क्या करेगा रिलैक्स, क्या करेगा रिलैक्स करेगा। तो इस पूरे के दौरान हम सब देखते हैं एक एक्सपायरेशन होता है एक इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन किसे कहते हैं, जब हम लोग एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को अंदर ले रहे होते हैं। एक्सपायरेशन जब हम एल्वियोली से और पूरे कंडक्टिंग पार्ट से सीओ टू को रिलीज कर रहे होते हैं उसे एक्सपायरेशन कहते हैं। इसी एक्सपायरेशन को एक्जिलेशन भी कहा जाता है, इंस्पायरेशन को इन्हेलेशन। तो इन्हेलेशन का मतलब क्या हुआ ऑक्सीजन को अंदर लेना, एक्सपायरेशन का मतलब क्या हुआ सीओ टू को रिलीज करना। तो हम लोग देखेंगे जो यह पूरा प्रोसेस होता है इसको किससे नापा जाता है ठीक है। तो इसे इरेज कर देते हैं। एक हेल्थी ह्यूमन जो है वह 12 से 16 बार पर मिनट सांस लेता है, माने एक मिनट में 12 से 16 बार सांस लेता है। यदि स्पायरोमीटर से नापने के बाद वह 12 से 16 बार सांस नहीं ले रहा है तो वह उसमें कोई ना कोई रेस्पिरेशन से लेकर उसमें कोई ना कोई बीमारी है। तो रेस्पिरेशन हमने बताया है आपको इसमें कितने स्टेप होते हैं और यहाँ कैसे मैकेनिज्म इसका क्या होता है और इसे किससे नापा जाता है स्पायरोमीटर से। एक बार हम पूरा रेस्पिरेशन का फॉलोइंग स्टेप देख लेते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर बता रहे हैं ऑक्सीजन को हमने अंदर लिया और सी ओ टू को बाहर निकाला पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमारा क्या हुआ, जो कंडक्टिंग पार्ट है ह्यूमिडिफाई करता है और बॉडी के टेम्परेचर पे जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं वह पहुँचाता है एल्वियोली तक। एल्वियोली से सी ओ टू लेता है, एल्वियोली जो है वह सी ओ टू लेता है
हेमोग्लोबिन से, और वहाँ से लेकर वहाँ पहुँचा देता है। वहाँ अब जो ऑक्सीजन होता है वहाँ उसी समय जो हमारा हार्ट है वह पंप कर रहा होता है ऑक्सीजन, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में पहुँचा है उसी समय जो हमारा ऑक्सीजन है उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करेगा और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल कर और नोस्ट्रिल से बाहर निकाल देगा। चौथा स्टेप क्या होगा, जो हीमोग्लो जो से बॉडी हमारे सेल हैं वहाँ बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं उन्हें जहाँ भी ऑक्सीजन चाहे, जहाँ भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वहाँ तक पहुँचा कर उसे दे देते हैं। पाँचवा स्टेप हमारा क्या हो गया, जो सेल हैं जो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है वहाँ करते हैं हमारे सेल और CO2 को रिलीज कर देते हैं। तो अब हम सब देखेंगे जो रेस्पिरेटरी वैल्यूम और उसकी कैपेसिटी होती है वहाँ क्या क्या होती है। तो अब हम लोग देखेंगे रेस्पिरेटरी वैल्यूम और उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, जो हमारा लंग्स है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, क्यों कितना मिलीलीटर ऑक्सीजन को हमारे लंग्स में वह स्टोर कर सकता है, कितना एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन हमारा भर सकता है। तो जो एक नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होती है उसे टाइडल वैल्यूम कहा जाता है। टाइडल वैल्यूम, यह जो टाइडल वैल्यूम है वह कितना होता है, 500 मिलीलीटर। 500 मिलीलीटर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है हमारा नॉर्मल एक बार में। और हम एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, 12 से 16 बार। तो 12 से 16 बार यदि इसका इसमें गुणा कर दें तो एक मिनट में हम कितना मिलीलीटर ऑक्सीजन लेते हैं और कितना CO2 रिलीज करते हैं वह आ जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा, 12 × 5 = 60, 6000 से 8000 तक, 6000 से 8000 मिलीलीटर तक हम ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं, इसे कहते हैं टाइडल वैल्यूम। इसके बाद हमारा होगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम। इसमें क्या होता है, जैसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, इसमें हम कितना फोर्स फुल लगाकर हम अपने लंग्स को, माने हम जैसे ऐसे फोर्स लगाएं, कितना फोर्स लगाकर हम स्टोर कर सकते हैं ऑक्सीजन को दोस्तों, एक बार में हम कितना फोर्स लगाकर ऑक्सीजन को स्टोर कर सकते हैं, इसे कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम। जैसे हमने ऐसे किया तो हम लोग कितना रख सकते हैं, 2500 से 3000 मिलीलीटर ऑक्सीजन को हम लोग एक बार में स्टोर कर सकते हैं, 2500 से 3000 मिलीलीटर तक ऑक्सीजन को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। देखिए एक जो नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है वह होता है 500 मिलीलीटर एक बार में, और जो हमारी पूरी कैपेसिटी होती है जब हम फोर्स लगाकर उसको, फोर्स लगाकर सांस लेना चाहे तो हम 2500 से 3000 मिलीलीटर ऑक्सीजन को पूरे एल्वियोली तक भरा सकते हैं। इसके बाद होता है दोस्तों एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, इसके बदले यहाँ एक्सपायरेटरी कर दीजिए, एक्सपायरेटरी, फिर रिजर्व यही रहेगा, वैल्यूम यही रहेगा, तो ई एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम में क्या होता है, हम कितना फोर्स लगाकर एक्सपायरेशन माने CO2 को रिलीज कर सकते हैं। जैसे CO2 को रिलीज करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम कितना फोर्स लगाकर CO2 को बाहर निकाल दे रहे हैं, कितना ऑक्सीजन हम CO2 को बाहर निकाल दे रहे हैं, तो कितना हम लोग निकाल सकते हैं दोस्तों, 1000 से 1100 तक, 1000 से 1100 मिलीलीटर तक हम क्या कर सकते हैं ऑक्सीजन CO2 को बाहर निकाल सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, टाइडल वैल्यूम नॉर्मल एक्सपीरेशन में 500 मिलीलीटर हम एक बार में कर सकते हैं, और जब पूरा एक मिनट का निकालेंगे तो 6000 से 8000 मिलीलीटर पर मिनट का हो जाएगा। इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, हम फोर्सफुल कितना, फोर्सिबल कितना हम ऑक्सीजन को इंटेक कर सकते हैं, तो 2500 से 3000 मिलीलीटर तक। इसके बाद हम फोर्स लगाकर कितना CO2 को रिलीज कर सकते हैं, 1000 से 1100 तक। इसके बाद जो हमारा रेसिडुअल वैल्यूम होता है, जब हम फोर्स लगाकर क्या करेंगे, जब हम फोर्स लगाकर CO2 को रिलीज करेंगे तो ऐसा नहीं है पूरा जो ऑक्सीजन और CO2 है वहाँ बाहर आ जाएगा, जो CO2 है वहाँ कितना बचा रहेगा उसी को कहते हैं रेसिडुअल वैल्यूम माने RV। तो इसे क्या कहेंगे, रेसिडुअल वैल्यूम, रेसिडुअल वैल्यूम। यहाँ कितना होता है दोस्तों, तो यह होता है 1100 से 1200 मिली लीटर तक, यह होता है कितना, 1100 से 1200 मिली लीटर, जिसे कहते हैं रेसिडुअल वैल्यूम। जैसे इस वक्त यदि नॉर्मल ऐसे देखा जाए, हम फोर्सफुल एक्सपायरेटरी करके हमारे अंदर 1100 से 1200 मिली लीटर हमारा बचा होगा। तो अब इसको इरेज करके इसके बाद देखते हैं रेस्पिरेटरी की कैपेसिटी कितनी होती है। तो अब हम लोग देखेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के बारे में। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी दोस्तों क्या होता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो हम एक नॉर्मल इंस्पायरेशन करते हैं और एक जो फोर्सफुल इंस्पायरेशन है उसे मिला देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो नॉर्मल वाले को हम क्या कर रहे थे, तो TV, और जो हम
फोर्सफुल करके इंस्पायर करते हैं उसे कहते हैं IRV माने इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम। तो टीवी और IRV को मिला देंगे तो क्या निकल जाएगा, इंस्पायरेशन कैपेसिटी। और एक्सपायरेशन कैपेसिटी दोस्तों क्या होता है, एक नॉर्मल वाला एक्सपायरेशन जोड़ दीजिए और एक जो हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं उन्हें जोड़ दीजिए ERV। देखिए तो टाइडल वैल्यूम कितना हो गया, 500 मिलीलीटर हम बल्ब में लेते थे। IRV कितना हो गया, 2500 से 3000 तक। इन दोनों को जोड़ के जो नॉर्मल निकाल देंगे वही, इससे भी इसका भी 500 हो गया। और ERV कितना था हमारा, 1000 से 1100 था, 1000 से 1100 मिलीलीटर तक। तो ये निकाल देंगे तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हमारा निकल जाएगा। अब हम लोग देखेंगे फंक्शन रेसिडियल वैल्यूम, फंक्शनल रेसिडियल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी दोस्तों क्या है, नॉर्मल एक्सपायरेशन कर रहे थे उसके बाद जो लंग्स में हमारे बच रहा था एयर उसे कहेंगे रेसिडुअल वैल्यूम। और जो हम एक नॉर्म फोर्सफुल कर रहे थे एक्सपायरेशन माने एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम उसे जोड़ देंगे तो हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, और RV को जोड़ देंगे तो हमारा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी आ जाएगा। तो हमने तीन चीज़ बताया आपको, एक इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो कि नॉर्मल और IRV को जोड़ देंगे, EC क्या होता है TV ERV को जोड़ देंगे, फंक्शनल ERV और प्लस RV को जोड़ देंगे। अब हम सब देखेंगे वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी दोस्तों क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, एक नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद, नॉर्मल नहीं फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद जो लंग्स में हमारे बच जाता है उसे कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी हमारा क्या हो गया, TV हो गया और ERV और IRV, यह क्या हो गया हमारा वाइटल कैपेसिटी। हम लोग सब देखते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी, तो शुरुआत में जो हमने चारों पढ़ाए टोटल लंग्स कैपेसिटी में चारों को जोड़ देंगे। शुरुआत में हमने क्या पढ़ा है, नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल रेस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन, और एक्सपायरेशन को क्या कहते हैं तो टाइडल वैल्यू। इसके बाद जो हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं उसका नाम होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यू। इसके बाद जो हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं उसका नाम होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू। इसके बाद जो हमारा नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो लंग्स में एयर बच जाता है उसका मतलब होता है रेसिडुअल वैल्यू। ये सभी को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल लंग्स कैपेसिटी आएगा। और वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, शुरुआत के तीनों को जोड़िए TV ERV और IRV को। अब हम सब देखते हैं क्या ट्रांसपोर्ट कैसे होता है गैसेस का एल्वियोली के थ्रू, और उसमें जो बिटवीन होता था जो O2 और CO2 का डिफ्यूजन होता था ऑक्सीजन और ब्लड में उसके बारे में डिटेल देखेंगे, इसी रेज कर देते हैं। चेंज ऑफ गैसेस सब हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे। आप सब यहाँ एक क्लियर डायग्राम देख रहे होंगे लेकिन हम डायग्राम बनाए हैं आपको समझाने के लिए। देखिए सिंपल डिफ्यूजन होता है बॉडी टिश्यू में ऑक्सीजन और CO2 के बीच में। तो ऑक्सीजन सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर कोई चीज़ ज़्यादा रहे और कहीं चीज़ कम रहे तो ज़्यादा से कम के पास जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ बॉडी टिश्यू है, यहाँ से CO2 ये डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वह CO2 को ले जाता है, क्योंकि यहाँ का जो पार्शियल प्रेशर रहता है कार्बन डाइऑक्साइड का वह ज़्यादा रहता है इसमें कम रहता है। तो यहाँ से लेकर जाता है उसको राइट वेंट्रिकल से फिर राइट एट्रियम में, इसके बाद राइट एट्रियम से हमारा ब्लड जो है वहाँ जाता है लंग्स के पास, और लंग्स में हमारे पाए जाते हैं एल्विओली। तो एल्विओली जो है एल्विओली में इसका प्रेशर रहता है 40 mmHg, और डीऑक्सीजनेटेड में ब्लड उसका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर रहता है तो 45। तो 45 से 40 क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ किसका, CO2 का। तो वहीं से एल्विओली किसके पास पहुंच, एल्विओली के पास क्या पहुंच जाएगा, CO2। CO2 एल्विओली को क्या कर लेगा, पैक। और उसके पास जो ऑक्सीजन होगा उसका पार्शियल प्रेशर होता है 104 mmHg, और जो इसमें जो पुलमोनरी वेन में पार्शियल प्रेशर रहता है वह रहता है 95 mmHg। तो इसमें से 104 में से 95 में यह डिफ्यूज होगा। तो यहाँ से जो ब्लड रहता है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसमें, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बाद यहाँ पहुँच जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके बाद एरोटा के थ्रू बॉडी टिश्यू में पहुँच जाता है। और बॉडी टिश्यू में जब वहाँ पहुँचता है तो फिर से वही प्रोसेस दोबारा होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह पूरा बात जो है वह समझ में आया होगा, पूरी टॉपिक समझ में आया होगी। अब केवल इसका 3 टॉपिक बचा है जो हम आपको अगले वीडियो में कवर करा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।